विश्वविद्यालय का पूरा छात्र हूँ। यहाँ पर जो SBI बैंक है परिसर के अंदर, वहाँ पर मेरा खाता है। बैंक द्वारा मुझे KYC के लिए नोटिस दी गई थी। आज मैं अपना KYC अपडेट करने के लिए आया था। गार्ड यहाँ जो छात्र संघ भवन पे तैनात था, उसने मेरे साथ गाली गलौज किया, मेरे साथ बदतमीजी की। जब मैं उसका प्रतिरोध किया तो वो अंदर गया, और अंदर जाने के बाद अपने 30-40 गार्डों के साथ मिलकर साजिश के तहत मुझे जान से मारने की नीयत से वो लोग आए, हथियार से लैस होकर, लाठी डंडों से लैस होकर, लोहे की राड लेकर। और जब मैं यूनियन पे अपने 5-10 साथियों के साथ मिलकर बातचीत कर रहा था, तब तक वो लोग अचानक आए और हमला बोला और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। इसके साथ ही साथ कई छात्रों के ऊपर जानलेवा हमला किया। आप देख सकते हैं दर्जनों छात्र घायल हैं, मुझे मृत समझकर वो लोग वापस गए हैं। ये जो तानाशाही है विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर, ये जो गार्ड तानाशाही कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो अराजकता कर रहे हैं, आप सोचिए, ये विश्वविद्यालय परिसर है, यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ गुंडे रखा है गार्ड के रूप में, और हमला किया, गोली चलाई गई, राडो रोहे के लाठ से हमला किया गया। किसी तरह से मेरी जान बची है, लड़ाई आर पार की है। मैं तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा जब तक आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता है। मैं गेट के अंदर जा रहा था, अपनी गाड़ी लेके जाना चाह रहा था। आप सोचिए, बैंक है, और बैंक यदि परिसर में है तो कौन कैसे जाएगा बैंक तक? यदि मैं बैंक का ग्राहक हूँ और बैंक में मुझे जाना है किसी काम से, कई लोग जो होते हैं वो दिव्यांग भी हैं, वो कैसे बैंक में जाएंगे यदि यहाँ पर गेट पे ताले लग जाएंगे? तो मैंने कहा कि मेरी सीधी सी मांग है, मैं तब तक ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा जब तक कि वो आरोपी गिरफ्तार ना हो। और दूसरी बात, किसी भी छात्रों पे मुकदमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि जब हम लोग गांधी मार्च निकाल रहे थे तो विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर गार्डों ने अंदर आगजनी की, खुद से तोड़फोड़ की है। अब ये ठिकरा जो है वो छात्रों के ऊपर फोड़ने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मेरी ये मांग है कि एक भी छात्र के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो छात्र संघ भवन का आप जो गेट देख रहे हैं, ये छात्र संघ भवन का गेट, ये केवल गेट से केवल बैंक के कर्मी आते हैं और छात्र संघ के पुराने लोग आते हैं इस गेट से, और इस गेट पे तालाबंदी करके उसके बाद जब हमारे एक सीनियर आए तो उनके साथ गार्ड द्वारा बदतमीजी की गई, गाली गलौज किया गया, उसके बाद अंदर नहीं आने दे रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने प्रतिकार किया, उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे पेट्रोलियर बोर्ड आता है, सुरक्षा अधिकारी आते हैं, उसके बाद उनसे बातचीत होती है पुलिस प्रशासन के सामने, उसके बाद ये लोग जाते हैं, उसके बाद प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सह पे, प्रॉक्टर के सह पे और सुरक्षा अधिकारी के सह पे 50 से 60 गार्ड यहाँ पे आते हैं, जो राड लोहे की राड से लैस रहते हैं, लाठी डंडों से लैस रहते हैं, सरकारी बंदूकों द्वारा लगातार फायर करते हैं। और ये देख लीजिए आप, ये लोहे के राड से लगातार हमला किया जा रहा है, लगातार छात्रों के, कई छात्रों के सर फटे हैं यहाँ लोहे के राड से, हमारे पैर पर छर्रा लगे, कम से कम दर्जनों छात्र घायल है। ये केवल ये गार्डों की ये सह पे नहीं हुआ है, केवल प्रॉक्टोरियल बोर्ड और सुरक्षा अधिकारी जो है उसके सह पे ये कुछ हमारी ये केवल ये मांगे कि प्रॉक्टर हर्ष कुमार और जो सुरक्षा अधिकारी है और जो भी इसमें संलिप्त है उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। और जिस तरीके से छात्रों पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, और छात्रों के ऊपर ऐसे बर्ताव करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।